गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज गोवा को एक्सप्लोर करने का पूरा प्लान है, तो सबसे पहले हमने बुक कर ली अपने लिए महिंद्रा की थार और हम लोग आज थार से गोवा को एक्सप्लोर करेंगे और मैं बनाऊंगा आपके लिए व्लॉग, तो बने रहना मेरे साथ। 2019 में जब हम गोवा आए थे तो मुझे याद है हम लोगों ने स्कूटी ली थी यहाँ पर रेंट पर और स्कूटी से एक्सप्लोर किया था बस। तो काफ़ी सारे लोगों ने बोला अर्टिगा ले लो, i10 ले लो, i20 ले लो, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने बोला है कि भाई थार से नीचे कुछ नहीं। तो थार ही ली है आज। एक्साइटेड फॉर थार? या। चलो मिलते हैं फिर थार के अंदर। ये है जी आज की अपनी गाड़ी। खोलो जी खोलो। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो यार जगह जगह पे पुलिस चेक पोस्ट लगी हुई है, मास्क चेक कर रहे हैं। जिन लोगों ने मास्क नहीं पहने हुए उनका कट रहा है चालान। तो हमने फटाफट गाड़ी के अंदर पहन लिए अपने अपने मास्क। तो अभी के लिए सबसे पहले हम जा रहे हैं गोवा के अंदर एगुआडा फोर्ट में। तो ये हिस्टोरिक प्लेस है यहाँ का, तो चलिए देखते हैं क्या मिलता है यहाँ पर। तो मुकेश भाई यहाँ पर टिकट ले रहे हैं, दिखाना एक टिकट। तो ये एक टिकट पर पर्सन की 2500 रुपये के हिसाब से है। क्या हाल चाल है जी, गर्मी इतनी करा रखी है यार, कुछ कम करोगे? एगुआडा फोर्ट कैंडोलियम में यार मौसम थोड़ा सा मस्त होता ना, सही रहता, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। मैं आया हूँ इस जगह पे फर्स्ट टाइम, ठीक है, मैं पहली बार आया हूँ, मेरा भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। और आपको किले वगैरह फोर्ट वगैरह देखने में कोई इंटरेस्ट है तो ही आप यहाँ पे आना, अदरवाइज यहाँ पर आके आप अपना टाइम वेस्ट करोगे, कोई फायदा नहीं है। बहुत ज़्यादा गर्मी है, अगर मौसम ठीक नहीं है, ह्यूमिड कंडीशन में है तो फिर यहाँ पे मत आना, अदरवाइज मेरी तरह स्पॉइल हो जाओगे। भाई मेरे को तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, बिकॉज मौसम भी इतना गर्म था, ऊपर से यार इतनी बड़ी जगह में पैदल चलो ये वो, भाई अपने तो बस का है नहीं, ठीक है। और फिर यार इतना कुछ खास यहाँ पे व्यूज़ भी नहीं है, ठीक है, एक ऊंची सी जगह पे जाके फोर्ट में। और ये साइड में आप देख सकते हो समुंदर है, समुंदर तो यार जब हम गोवा के बीच पे जाते हैं हमें वहाँ पे भी दिख जाता है। तो अगर हमें बीच ही देखना है, समुंदर ही देखना है, तो फिर हम यहाँ पे क्यों आएंगे, ऑब्वियसली नहीं आएंगे यहाँ पर। तो मेरी राय आपसे यही है कि अगर आपका इंटरेस्ट है फोर्ट्स वगैरह में जाने का, किले वगैरह देखने का, हिस्टोरिक जगह को देखने का, तो आप यहाँ जाओ, अदरवाइज डोंट वेस्ट योर टाइम। तो यार अभी के लिए जा रहे हैं डॉल्फिन पॉइंट पे, वहाँ पे कुछ डॉल्फिन वगैरह देखेंगे, बोटिंग वगैरह करेंगे। और मैंने थार जो है वो छोड़ दी है, अब मैं अपने बॉस के साथ अपनी स्कूटी पे बैठ चुका हूँ। मैंने सोचा यार स्कूटी और थार दोनों के मज़े हो जाएंगे, इसी बहाने दोनों की राइड हो जाएगी, तो वो ज़्यादा बेटर है हमारे लिए। थार के भी मज़े लो और स्कूटी के भी मज़े लो। और अभी हम जा रहे हैं डॉल्फिन पॉइंट पे, वहाँ पे कुछ बोट जाती है समुंदर के बीच में, देखते हैं एक बार वहाँ पे क्या सीन है। और जगह जगह पे मास्क चेक करने के लिए पुलिस वाले अवेलेबल हैं, अगर आपने मास्क नहीं लगाया तो 200 रुपये का फाइन है। तो बीच बीच में चेक करते रहो कि कोई पुलिस वाला तो नहीं खड़ा किसी चेक पोस्ट पर। एकदम हील वाला एक्सपीरियंस देता है ना ये, ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ों पे ही ड्राइव कर रहे हैं। यहाँ से जाती है बोट, शायद यहीं से जाती है बोट वो, हाँ सब यहीं से जाती है राइट। सर सुबह आज ही स्टार्ट किया है, सुबह सबको डॉल्फिन का सुबह से दिखाएगा, बोलने वाली नहीं, मैं आज वही बोल रहा है ना, मैं ऐसा ही नहीं बोल रहा है, 10 साल से अभी कंटिन्यू है, ऐसा नहीं, आज ही स्टार्ट हुआ है, सुबह से सबको कस्टमर का डॉल्फिन लेकर। आपने तो गूगल पे सर्च मार के देख लो इधर से डॉल्फिन पॉइंट है या नहीं है। अपना जहाज इन्होंने हमारे साथ क्रैश कर दिया, टाइटैनिक पार्ट 2 बनाएंगे। अभिषेक बताओ क्या तुम्हारे कमेंट्स क्या है? मारने के लिए तैयार हो रहा है, डूबो के एक जहाज दूसरे जहाज के अंदर आते हुए। कप्तान जैक स्पैरो जहाज को बचाते हुए अपनी टोपी पहनकर। एक और पड़ी है, अरे इसको खींच लो ना, इसको खींच लो, ये बन चुका है टाइटैनिक पार्ट। कम ऑन डांस आलिया, गुड गुड, चल अब चला रहे हैं अभी, तो मजे लो जिंदगी के, बहुत कुछ नहीं रखा यार, कोई तो ले रहे हैं और क्या कर रहे हैं। नो भाई बिल्कुल भाई, ये तो पता है कि नाव चलती नहीं जब तक मुकेश जी का हाथ नहीं लगता, कुछ भी नहीं चलता। ये तो फैक्ट है।
था, पता नहीं क्या था। भाई सही लहरें आ रही हैं बिल्कुल। ओए होए होए, पानी सही लेवल में है भाई, फुल स्पीड में आ रहा है। लेकिन एक बात, वो पत्थर पत्थर है क्या नीचे? ये देखो जी पानी, ये देखो लहरें। भाई बोट कैसे हिल रही है, लेफ्ट राइट पानी देखो। और ये आई लहर ऊंची, भाई मजा आ गया। रोक उड़ दी है, देख रहे हो क्या हुआ? जैक इंजन काम नहीं कर रहे, जैक पैर जैक का इंजन काम नहीं कर रहा शिप का। चलो देखो नीचे, देखो यार एक आधी कोई डॉल्फिन दिख जाएगी, टेंशन मतलब कुछ नहीं होगा। नीचे देखो, यहाँ पे 20 मिनट रुकेंगे, जिसको घूम के आना है हुआ हो। एक बार तुम उतर गया हो बताना। चला ये आके ना दो चार बार यहाँ ऐसे ऐसे घुमाते होंगे, बंदे कहते भैया वापस ले चल। बिग गए डॉल्फिन है, डॉल्फिन को बता रखा है क्या हम यही आएंगे लेके यही मिलियो। बीपी सबके हाईएस्ट टाइम, ये देखो कैसे हिल रही है बोट। देखने गए थे डॉल्फिन, बट डॉल्फिन वॉल्फिन कुछ नहीं दिखी, लेकिन जो पानी में वेव्स आ रही थी ना भाई, पैसे वहीं सारे वसूल हो गए हैं। 250 रुपये पर पर्सन एंट्री है, जो भी जाना चाहे बोट से जा सकता है। हालांकि वो 300-350 रुपये बोलते हैं, लेकिन अगर आप बार्गेनिंग करोगे 200-250 में बात सेट हो जाएगी। हमारे 250 रुपये लिए उसने पर पर्सन। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डोना पोला बीच। लो जी यहाँ पर भी यही हुआ जो कल हमारे दोस्तों के साथ हुआ था, बिना मास्क के चल रहे हैं लोग तो कटेगा चलान। तो मतलब गोवा की पुलिस बहुत एक्टिव है चलान काटने में, अगर आपने मास्क नहीं पहना हुआ तो 200 रुपये का फाइन भरने के लिए रेडी रहो। कैसीनो है वो सब यहाँ मिलेंगे आपको देखने को, जैसे कि ये बिग डैडी कैसीनो है भाई साहब, इतना बड़ा शिप है ये, मज़ा आ गया देख के इसको। बिग डैडी कैसीनो, और उससे थोड़ा सा आगे एक कैसीनो और है, इसका नाम है मैजेस्टिक प्राइड। तो ये दो बड़े फेमस कैसीनो हैं गोवा के। तो यार डोना पोला बीच तो बंद था, तो वहाँ पर एंट्री हो नहीं पाई, तो हम लोग सिर्फ वहाँ पर जाके देख के थोड़ा सा और वापस जा रहे हैं अब। हालांकि गोवा में हमने पूरे एक हफ्ता स्पेंड कर दिया, और ये एक हफ्ता हमें लाइफ टाइम याद रहेगा, बिकॉज बहुत सारी मेमोरीज क्रिएट की हैं हमने यहाँ पर। बागा बीच पे कैलंगूट और नाइट लाइफ को एंजॉय किया, और बहुत सारी चीज़ें मस्ती की यहाँ पर। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से हो गई है रात, और अब समय आ गया है इस गाड़ी को वापस करने का। तो गाड़ी वाड़ी वापस करके सीधा जाएंगे होटल, खाना वाना खा के सो जाएंगे, बिकॉज कल का जो दिन है बहुत ज़्यादा टाइट होने वाला है, क्योंकि कल सुबह है हमारी फ्लाइट वापस दिल्ली के लिए। एक हफ्ता गोवा में कैसे निकल गया पता ही नहीं चला, और सच बताऊं बहुत मज़े किए, बहुत इन्जॉय किया, और अब फाइनली घर जाने का टाइम है, और मंडे से जाने का टाइम है ऑफिस। तो यार सोमवार से वापस अपने काम में लग जाएंगे, खूब मेहनत करेंगे और ज़्यादा मेहनत करेंगे, और बहुत जल्दी मिलेंगे आपको अगली किसी वीडियो में। तो तब तक बने रहना दोस्तों इस चैनल पर, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कॉमेंट ज़रूर करना, और दोस्तों
आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं है। आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब जो है वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, ठीक है ना। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप अपना सपोर्ट दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, और जल्दी मैं आपसे मिलूँगा अगले व्लॉग में। मुझे नहीं पता मैं अगली विजिट कहाँ करूँगा, कब करूँगा, लेकिन ये चीज़ ज़रूर है कि बहुत जल्दी अगला व्लॉग आएगा, कहीं ना कहीं तो ज़रूर जाएंगे ही जाएंगे। बाय बाय, टेक केयर एंड नमस्कार।